हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। संडे मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। और प्लीज़ भैया, प्लीज़ सभी कुछ मेरी सखी हो, मेरे फ्रेंड्स हो या आंटी जी हो, मम्मी जी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इंडिया में 80% लोग मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा। मेरा दिल रो रहा है, मैं क्या करूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब तो करो, आप इतने लाइक करते हो तो लाइक दे दो, सब्सक्राइब करो। इसी यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। और आज मैंने संडे है तो देर से उठी, कितने बजे उठी ये तो पूछिएगा ही मत, ठीक है। उसके बाद सभी कुछ मैंने क्या, पहले मैं फ्रेश अप हो गई और उसके बाद मैंने थोड़ा राइस पुलाव बनाया और गर्मा गर्म मसाला कड़क चाय बनाए। और उसके बाद थोड़ा मोबाइल देखते देखते मैंने अपना ब्रेकफास्ट और चाय पिया। उसके बाद घर का झाड़ू पोछा, सभी कुछ क्लीनिंग, वॉश बेसिन क्लीनिंग और मछलियों का एक्वेरियम क्लीनिंग। दो एक्वेरियम है, दोनों एक्वेरियम क्लीनिंग, उनको फूड देना, ये सारी काम करते करते हो गया, 2 घंटे हो गए। और आंगन क्लीन करना था, फिनाइल ये वो सैनिटाइजर सभी डाल के मैंने आंगन क्लीन कर दिया। अभी एक सिर्फ काम बचा है, मैंने धूप में सुखाने, धूप आता है ना मैं तो धूप कोई मिल गया का एलियन हो जाती हूँ, धूप धूप कहती रहती हूँ। धूप आए तो मुझे खुशी होती है। वहाँ मैंने कपड़े सुखाने के लिए रखी हूँ बाहर, तो सूख गए तो लेकर आऊँगी अंदर। अभी धूप आया है तो मैं धूप धूप कह के बाहर निकलूँगी। तो मुझे कुछ घर के लिए सामान, जैसे रंगोली लाना है और कुछ दूध दही लाना है और कुछ कल के लिए अगर कोई फूल, हाँ फूल भगवान के लिए वो लाना है। और भगवान के कहते कुछ और मुझे याद आया, आज मैं अपना लड्डू गोपाल जी को मैं दिखाऊंगी और उनका कपड़े ड्रेस मैं कैसे चेंज करती हूँ, कैसे नए नए त्यौहार के लिए, हर त्यौहार के लिए मैं कैसे नए उनको कपड़े लाती हूँ और कलर कॉम्बिनेशन में क्या कैसे चूज़ करती हूँ और मैं कैसे उनके ड्रेसेस संभाल कर रखती हूँ, उनके आभूषण अभी कितने हैं, अभी मुझे कितना लाना है और कहाँ से लाती हूँ, कैसे खरीदती हूँ, क्यों मुझे इतना पसंद है, वो भी मैं आपको बाद में सारी बातें शेयर भी करूँगी। और थोड़ा सा ये सब भगवान का मंदिर जो है ना, वो कपूर के थोड़े थोड़े ये डिब्बे वो डिब्बे, छोटे छोटे डिब्बे रहते हैं ना, उन वो खाली डिब्बे सभी कुछ डिस्पोज करना है, वो करूँगी। और क्या है, इतना ही तो मैं इतना करने वाली हूँ आज। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक दे दो। क्यों लाइक, मैं ना कितना मेहनत करती हूँ। हाँ, कोई कोई सोचते हो कि यूट्यूब बनाना क्या है, इसमें सभी बनाते हैं, आप भी बनाते हो, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। मैं तो एक ऑफिस जाती हूँ ना, ऑफिस से आने के बाद अगर मैं जो भी एडिटिंग हो, एक्सपोर्ट करना हो, ये रात को 1 बजे सोती हूँ, मैं 1 बजे रात को सोती हूँ बिकॉज ऑफ यूट्यूब। मुझे एडिटिंग करना है, वॉइस ओवरिंग करना है, एक्सपोर्ट करना है, सभी कुछ करने के बाद पब्लिश भी करना है। पब्लिश नहीं करूँगी तो वो एक्सपोर्ट होने के बाद, सभी कुछ होने के बाद 100% सभी हो काम होने के बाद ही एक्सपोर्ट करना, पब्लिश करना होता है। अगर मैं पब्लिश नहीं करूँगी तो आपको आपके तक वीडियो नहीं पहुँचेगी। बहुत मेहनत का और यूज़ ब्रेन यूज़ करने का काम रहता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कितना मेहनत लगती है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक। अभी मैं यहाँ पे आज, अभी टाइम कितना हुआ है, 5:30, 15 मिनट फास्ट है तो 5:30। अभी मैं फ्रेश हो के नहा धो के यहाँ पर मंदिर के सामने, पूजा घर के सामने बैठ गई हूँ। मैं आज आपको मेरे कृष्णा जी के ड्रेसेस का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ और मैं कैसे सिलेक्शन करती हूँ, आपको कैसा लगा ये ड्रेसेस और हमारे कृष्णा जी कितने सुंदर लगते हैं और मैं ये ड्रेसेस क्यों खरीदती हूँ, तो आप आज ये सारे जान लोगे। मैं जब भी बाहर, मतलब त्यौहार जब आता है तो हर जगह आपको हर शॉप में, कोई फैंसी स्टोर में, जो भी बैंगल स्टोर में, सभी कुछ जगह आपको कृष्णा जी के ड्रेसेस सजे धजे बहुत ही चमक चमक से रहते हैं, जो शोकेस में वो रखे रहते हैं, तो मुझे मेरे आँख को ऐसे दिख जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, शॉप के अंदर जाऊँगी और मैं सभी कुछ पूछूँगी कौन सा ड्रेस क्या कि, मैं हमारे घर में जो कृष्णा जी है ना, थोड़ा इतना सा मूर्ति है, 5 लोगों का जो लड्डू ऐसे पकड़े हुए बैठे हैं, छोटे बालक लड्डू लेकर ऐसे बैठे हैं, तो उनके लिए जैसे
ड्रेस मतलब फुल कवर हो उनको, सिर्फ हाथ दिख रहा है वैसा कुछ मुझे उस साइज के लिए, उनके साइज के लिए जो मूर्ति साइज है उतना ही मुझे तो चाहिए, तो मैं वैसे ड्रेसेस ले, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे भी आते हैं, इतने इतने से भी ड्रेस आते हैं कृष्णा जी के, और गणपति महालक्ष्मी का ड्रेसेस आते हैं, गणेश महाराज जी को धोती आते हैं, छोटे छोटे धोतियाँ रहती है, धोती पैंट वो बहुत सुंदर रहते हैं, लेकिन मेरे घर में कृष्णा जी का मूर्ति है तो मैं उनके लिए ड्रेसेस कलेक्शन जो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, और मैं जब भी ड्रेसेस आते हैं शॉप में तो मैं यही सोचती रहती हूँ, मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, नन्ना सा बच्चा है, त्यौहार है तो त्यौहार के लिए नया ड्रेस लेना है, तो अगर आभूषण अच्छे अच्छे मोती का माला और एक क्राउन किरीट मुकुट वो मिल जाए तो वो ले लेती हूँ, और क्या माला लेती हूँ, और छोटे छोटे इयर रिंग्स मिले तो वो ले लेती हूँ, और प्राइजेस का मैं तो बहुत थोड़ा बार्गेन भी करती हूँ, मुझे थोड़ा कम प्राइस में अच्छा सा ड्रेस, हैंडवर्क ज़्यादा हो, चमक चमक ज़्यादा हो, वो ऐसा मुझे अच्छा लगता है, ब्राइट कलर्स मुझे कृष्णा जी के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे लेमन येलो, पर्पल और पिंक और गोल्डन जरी बॉर्डर और कुछ ये वर्क रहते हैं, मैं अभी दिखाती हूँ, देखिए ऐसे ना, देखिए ये कितना चमक रहा है ना, देखिए मैं अभी सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी, ये मैंने अभी दीपावली के लिए मैंने रखा है, दीपावली जब त्यौहार होगा तो मैं ये ड्रेस पहनाऊंगी, मुझे वो कुछ अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, और घर में बाल गोपाल जी का मूर्ति होना भी एक शुभ संकेत माना जाता है, जैसे कि आपके घर में एक खिलखिलाता बच्चा हर दिन हर सुबह रहता ही रहता है, तो बच्चे तो घर के लिए एक खिलता गुलाब है, तो ऐसा है, और मतलब जब भी कहीं किसी की शादी भी होती है तो कोई कोई घर में ट्रेडिशन रिवाज रहता है कि कपल्स जो भी रहते हैं उनके लिए कोई बाल गोपाल जी को गिफ्ट भी करते हैं कि घर में खुशियाँ रहे, कोई बाल गोपाल उनके घर में आए, ऐसा तो बाल गोपाल के घर में रहना, उनका मूर्ति रहना, उनका पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, और जब से मेरे घर में ये सब कुछ मैं तो करती ही रहती हूँ, और मुझे कुछ मेरे दिल को तो अच्छा लगता है, एक खुशी मिलती है, इतना ही था, अभी मैं दिखाऊंगी कितने ड्रेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ड्रेसेस कलेक्शन है, तो चलिए देखिए ये हमारे बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी हैं, और इनके ये पिंक कलर का ड्रेसेस मैंने ये भी लिया था, रिसेंटली लिया था, हर त्यौहार के लिए एक एक ड्रेस खरीदती हूँ, और ये ग्रीन का, ये देखिए ये कुछ अलग है, आपको इसमें कौन सा ड्रेस पसंद आया वो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और ये सारे मुझे ऑरेंज कलर, ये मुझे ऑरेंज विथ गोल्ड, ये कॉम्बिनेशन विथ पर्पल भी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये पिंक भी बहुत अच्छा लगता है, इसमें गोल्ड फ्लावर है, ये इस फ्लावर की वजह से मैंने ये ड्रेस लिया, गोल्ड फ्लावर विद ये ब्लू जो भी बॉर्डर है ना यहाँ पे, देखिए ये बॉर्डर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सिर्फ इसमें पिंक एंड गोल्ड इतना ही है, इसमें कुछ भी हैंडवर्क कुछ भी नहीं है, हैंडवर्क वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पिंक एंड गोल्ड कलर का बॉर्डर है, ये मुझे अच्छा लगा, और ये ऑरेंज का भी, और इसमें देखिए ये जैसे बेबी फ्रॉक होते हैं ना, जॉर्जेट के हैं ये कपड़े, जॉर्जेट के हैं, और देखिए ये छोटे छोटे फ्लावर्स कितने अच्छे से इन काम किए हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे, ये थोड़ा फैंसी है जॉर्जेट फैंसी, तो कृष्णा जी के लिए हर ड्रेस सूट करता है ऐसा नहीं, बहुत ट्रेडिशन हो वैसा कुछ नहीं, तो ये थोड़ा फैंसी भी जॉर्जेट कपड़ा, और ये बॉर्डर फ्लावर का मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कलर बहुत ही मतलब थोड़ा मॉडर्न टाइप का कलर है, बहुत कुछ डिफरेंट लुक होगा इसमें, तो ये मैंने ख़रीदा था, और ये भी ऑरेंज एंड ग्रीन, इसमें ऑरेंज पर्पल है तो इसमें आपको ऑरेंज एंड ग्रीन मिलेगा, और गोल्ड बॉर्डर है, तो ऐसा रहता हाथ, एक हाथ इसमें एक हाथ इसमें, तो ये बैक ऐसा एक सेफ्टी पिन से बांध देना है, तो बांध देने के बाद ऐसे दिखेंगे, और उसके बाद ये पिंक, ये कुछ ज़्यादा पिंक है,
और ये सिंपल सा बॉर्डर, ये सिंपल का ड्रेस है। जैसे कभी भी हम डेली कभी ड्रेस चेंज किया तो कभी डेली, जैसे डेली वेयर करते हैं ना हम जैसे ड्रेस को, तो वैसे जो भी त्यौहार नहीं हो कभी ड्रेस चेंज किया कृष्णा जी का तो कभी हम ये पहना सकते हैं, त्यौहार नहीं रहता है ना तब। और ग्रैंड लुक के लिए ये सारे ड्रेसेस चलें। और ये दिवाली के लिए मैंने लिया है, देखिए इसमें येलो का, ये येलो ना बहुत अच्छा सा येलो थ्रेड है एम्ब्रॉयडरी का, और ये आप इसको क्या कहते हैं, ये चमकती चमकती ये जो भी ये है ना, देखिए इसका बहुत चमक है, बहुत अच्छा दिखता है। और ग्रीन है, ये लीव्स भी हैं, देखिए छोटे छोटे लीव्स हैं, और थोड़ा सा पिंक का इसमें एम्ब्रॉयडरी आया है, देखिए यहाँ पिंक यहाँ पिंक यहाँ पिंक। तो मैं जब पहनाऊँगी तो ये बैग जाएगा, ये जो है ना ये बैग जाएगा, ये सेफ्टी पिन से मैं ऐसे बांध दूँगी, और ये जो रहेगा फ्रंट में रहेगा, देखिए एक येलो येलो एम्ब्रॉयडरी का है, तो ऐसा ऐसा दिखेंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगाया है, तो ऐसे रहेंगे। ये बहुत ही स्टिफ का ड्रेस है, मतलब कुछ पीछे से कुछ ऐसा रहता है, पीछे से ऐसा रहेगा, कुछ नेट का या कुछ पेपर टिश्यू पेपर या कुछ यहाँ डाले रहते तो स्टिफ रहता है, बहुत स्टिफ रहता है। यहाँ पर है देखिए, इसका रेट भी 95 रुपीज़ है, और ये सभी कितने कितने का मुझे पता नहीं, उतना याद नहीं। लेती हूँ मैं बहुत सारे ड्रेसेस लेती हूँ, देखिए ये कितना 55, ये 55 रुपीज़ का है, ये 55 का है, और ये देखिए ये 65 रुपीज़। उसमें थोड़ा बार्गेन भी कभी कभी करती हूँ, कभी कभी नहीं आपको इतना ही लेना होगा बोलेंगे तो वही ले लेती हूँ, तो इसमें कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा रहते हैं। तो सारे ड्रेसेस जितने भी थे मैंने आपके सामने अभी शेयर किया है आपको, अभी ये नया ड्रेस है। तो अभी भी नेक्स्ट संक्रांति के लिए भी ख़रीदना है, उसके बाद कोई त्यौहार नहीं रहता। अगर समर हो तो समर के ड्रेसेस कुछ मैं ही खुद स्टिच करूं ऐसा सोचती हूं, समर के कॉटन कॉटन सिंपल सा कॉटन एक ऐसा ड्रेस बना दूं, तो ऐसा मैं सोचती हूं कभी कभी। अगर रेडीमेड वो भी मिले तो समर ड्रेसेस वो भी कभी खरीदूंगी। और विंटर में कोई स्वेटर पहनाना है, स्वेटर को देखूंगी कहीं ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट में भी मिलते हैं स्वेटर्स सभी चीज़ें, तो वहाँ पर से ही लूँगी। मतलब ये सारे अच्छे लगते हैं मुझे, है ना। अगर आपको अच्छा लगता लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका पॉजिटिव कमेंट है तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। देखिए ये माला है और ये इयर रिंग्स हैं छोटे छोटे, इसको स्टिक करना है, एक गम आता है, गम की सहायता से गम की हेल्प से इसको ईयर्स को दोनों ईयर्स को स्टिक करना है। ये मैंने एक माला रखी हूँ, तो ऐसे कुछ और ख़रीदने हैं या घर में ही मैं बहुत भी बना सकती हूँ। और ये एक मुकुट रहता है, दो मुकुट हैं अभी, तो और भी मुझे ख़रीदना है, ऐसा गम रहता है, गम के हेल्प से मदद से मैं उनको ये पहना देती हूँ। जैसे अभी पहनाई हूँ, देखिए मुकुट है और माला पिंक कलर का माला है।